Assalamu alaikum ji, aaj hum Ammanat.com ke platform se ek aur video aapke liye lekar aaye hain. Aaj hamare saath mera naam Taimur Malik hai ji, main head of sales hu Ammanat ka. Ye hamare saath aaj Khizr bhai hain. Khizr bhai aaj hame Motorway City ke bare mein thoda detail denge. Waise to mausam aaj इनका नहीं था ऐसा कि वो बाहर निकले, मगर हम लोग फिर भी आज आए हुए हैं क्योंकि हमने इनसे कमिटमेंट की हुई थी. तो वी लॉनर, तो आज हम इनसे थोड़ा सा मोटिवे सिटी के बारे में भी पूछेंगे और डिटेल्स के हवाले ये भी हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अल्लाह पाक का बड़ा. राइट नाउ अभी हम लोग मोटिवे सिटी जो हमारा एक प्रोजेक्ट था जो कम्प्लीटेड है जी, जी. उसके पार्क में है इस वक्त हम स्टैंड कर रहे हैं. ये बेसिकली राइट नाउ हम बारबेक्यू एरिया में खड़े हुए हैं. टॉप व्यू है जिससे पूरी मोटरवे सिटी आपको आप देख सकते हैं. मोटरवे सिटी एक बेसिकली वेलफेयर प्रोजेक्ट था. 200 रुपये और 500 रुपये इसकी महाना किस्त थी और 25,000 रुपये 5 मरले का प्लॉट था. माशाल्लाह इतना सस्ता प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं किस तरह का बना हुआ है. तमाम लोगों को पोजेशन दे दी गई है. आप पार्क देखें, 300 कनाल का पार्क है जिसमें 3 खूबसूरत लेक्स है. अच्छा कहने का मकसद ये है कि इतना सस्ता प्रोजेक्ट जो कि हम लोगों ने डिलीवर कर लिया. अभी हम रिसेंटली हमने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया मोटरवे सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के नाम से जी, जी. जो कि ये बैक साइड पर आप एरिया देख सकते हैं वहाँ पर बनना है. अच्छा. जिसको डैम रोड टच हो रही है बेसिकली. अच्छा अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ ये सस्ता क्यों था. जी जी ये सस्ता इसलिए था ऑब्वियसली जब ये बना उस वक्त रोड के कॉन्सेप्ट नहीं थे. ये किस ईयर में बना था. ये 2004 में स्टार्ट किया था. ऑब्वियसली ये एक सस्ता वेलफेयर प्रोजेक्ट था. ये लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्ट था. आप देख सकते हैं पहाड़िया है जी, जी. पहाड़िया काट के बनाया गया प्रोजेक्ट. पहाड़िया काट के प्रोजेक्ट बना आसान नहीं होता, इसमें काफी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है और खर्चा भी इसमें बहुत आता है. नो डाउट. अच्छा ये प्रोजेक्ट हमने जब कंप्लीट किया फिर जमीन तो ऑब्वियसली हमारे पास थी. 11,000 कनाल जमीन हमारे पास मौजूद थी. हमने कहा उसे यूटिलाइज करेंगे एक टाइम दे के प्रॉपर. जब हमारे पास टाइम आए फिर अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली. हमें एक रोड मिल गया. बेसिकली कसाना डैम बन रहा है हमारे जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक हमने लॉन्च किया उसके साथ. अब कसाना डैम की वजह से हमें दो फायदे हो गए बहुत बड़े. एक तो जो सबसे बड़ा फायदा आबी मसला जो पानी का मसला है पाकिस्तान में वो हमें मसले से दो चार नहीं होना पड़ेगा फ्यूचर में. और हमें एक रोड मिल गया, एक शॉर्टकट रोड जो कि एयरपोर्ट से आ रहा है. मुमताज सिटी और टॉप सिटी का नाम आपने सुना होगा. मुमताज सिटी के साथ से वो आ रहा है. 5 किलोमीटर का सिर्फ वो रोड है, यानी 3 से 4 मिनट की आपकी ड्राइव होगी इन फ्यूचर. फिर हम लोगों ने सोचा वहाँ पे एग्जीक्यूटिव फेज लॉन्च किया जाए. अब वो 5,000 कनाल का रकबा है जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव फेज लॉन्च किया जिसमें अंडरग्राउंड बिजली गैस पानी गोल्फ कोर्स वाटर थीम पार्क वाटर स्पोर्ट्स पार्क और बड़ी गलियां और कुशादा रोड्स उसमें शामिल होगी. आप मोटरवे सिटी देख सकते हैं उस वक्त रोड्स का अंडरग्राउंड बिजली गैस का तसव्वुर नहीं हुआ करता था. फिर भी हम लोगों ने अंडरग्राउंड बिजली गैस पानी दी. इस एरिया में बिजली भी मौजूद है गैस भी मौजूद है. अभी आप लोगों को हम ओवरव्यू वहाँ का भी देंगे. आप वहाँ देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, घर बने हुए मॉडल हाउसेज बने हुए हैं. वहाँ पर बिजली गैस पानी आप लोग देखें वहाँ मौजूद है. अंडरग्राउंड है, आपको बिजली के पोल नज़र नहीं आ रहे होगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड बिजली गैस पानी है. तो उस तरफ आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम लोगों की नर्सरी है. जो पौधे आप देख रहे हैं हम लोगों ने खुद यहाँ पर लगाए, यहाँ पर खरीदी नहीं गई कोई चीज़. फिर जो इसमें सीवरेज के पाइप्स है इवन के वो भी हम लोग खुद बनाते हैं. इसी मोटरवे सिटी के अंदर उसकी फैक्ट्री मौजूद है. हम सीवरेज के पाइप भी खुद बना रहे हैं और सीवरेज सारा सिस्टम हमारा अपना है. वो मोटा पाइप इसमें लगा हुआ है. अभी आपको सीवरेज का सिस्टम भी आप जूम इन कीजिएगा, वो भी आपको जब आप वहाँ लेके जाऊँगा वो भी आप देखिएगा. तो बेसिकली काजी साहब जो इसके ऑनर है शौकत महमूद काजी साहब, उनका जो विजन है उनका जो मकसद है कि ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का बनाना जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके. माशाल्लाह अभी जो हम नया जो अभी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बनाया जा रहा है उसका जो स्लोगन है अफोर्डेबल मॉडर्न लिविंग, कि ऐसी मॉडर्न लिविंग जो हर कोई अफोर्ड कर सके. वैसे होता क्या है कि जो मॉडर्न लिविंग होती है अफोर्डेबल नहीं होती, यूजली यही देखा जाता है. और जो अफोर्डेबल होती है वो मॉडर्न नहीं होती. मोटरवे सिटी देखिए अफोर्डेबल थी. 200 रुपया 500 रुपया इसकी किस्त थी. 25,000 5 मरले का प्लॉट था. प्राइस के लिहाज से कंपैरिजन करें तो एक बहुत बेहतरीन सोसाइटी है. नहीं माशाल्लाह आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी और डेवलपमेंट में भी बहुत प्यारा काम किया हुआ है. बल्कि मैं अभी जब आ रहा था एंट्रेंस पे मस्जिद भी बहुत खूबसूरत इधर बनी हुई है. तो बाकी ओवरऑल मुझे इसके थोड़ा आपने गाइड तो कर दिए पानी बिजली गैस के हवाले से. ये कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी है ये इधर अभी. मोटरवे सिटी तकरीबन कम्प्लीट हो चुकी है. प्लॉट कटिंग हुई हुई है, पोजेशन लोगों को दे दी गई है. राइट अब इसमें एक सवाल आता है जो कि लोग पूछते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुई अभी तक, घर क्यों नहीं बने. अब होता क्या है जिन लोगों ने ये ली, 25,000 का प्लॉट था, इन्वेस्टर्स ने जो लोग कराची बैठे हुए बाहर बैठे उन लोगों ने ले ली. उन्होंने कहा एक जब ऑब्वियसली जब उस वक्त हमने बेची उस वक्त रोड्स नहीं थे, इन्हीं पुरानी रोड्स पे बेचा गया. ऑब्वियसली अब लोगों ने लिया उन्हें पता था कि भाई यही रोड्स होगी. बट अब अल्लाह की तरफ से ऐसा हो कि उनको भी अब नए रोड की फैसिलिटेशन वो भी हासिल कर सकेंगे. तो ऑब्वियसली जब रोड्स आएगा तो यहाँ घर भी बनेंगे, यहाँ आबादी भी आएगी. क्योंकि देखिए पिंडी इस्लामाबाद तो खत्म हो गया, आबादियाँ ने आप इधर ही आना. अब ये एरिया जैसे कि आप जानते होंगे रिंग रोड भी आ रहा है यहाँ पे, कार्गो रोड आ रहा है, इसके अलावा सीपैक यहाँ से गुजर है. अब 4 से 5 मेन बड़े रोड यहाँ आस पास से गुजर रहे हैं. तो ऑब्वियसली जहाँ रोड्स होते हैं वहाँ आबादियाँ आती है. थैंक यू खजर भाई, आपने हमें अपना
important time diye. Ye video banane ka ek basic maksad ye tha ki motorway city ki hum development overall dekh lein, jisse ye idea ho jayega ki jo new inka block ban raha hai wo kis tarah ka banega. Ye development aur itne time frame mein jo inne kaam kiya hai usse hame vision aur clarity mil jati hai ki Qazi sahab ka kya idea hai, kya vision hai aur future mein wo kya karne wale hain. Thank you for your time ji. Thank you sir. Assalamu alaikum.